तो बेसिक इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो पिछले सालों पूछ चुके हैं, ऐसे बहुत भी क्वेश्चन है। तो ठीक है, देखिए आगे जो 76 नंबर प्रश्न है वो क्या है। तो ड्राइंग शीट पर जो है वस्तु संदर्भ किस लिए बनाया जाता है, ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ किस लिए बनाया जाता है। तो जो है ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्राइंग शीट का जो है विवरण सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए यह जो वस्तु संदर्भ बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 77 नंबर पर, ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है। तो ड्राइंग शीट पर क्यों अधिक मार्जिन छोड़ा जाता है, तो जिल्द को बांधने के लिए। क्या जिल्द को बांधने के लिए जो है बायां सिरा जो होता है, इधर सिरा जो होता है, इस साइड जो होता है ज़्यादा छोड़ा जाता है, ताकि यहाँ पे जिल्द ऐसे बांधा जाता है, बांध दिया जाए। ठीक है, जिल्द को बांधने के लिए। अब नेक्स्ट जो है प्रश्न 78 नंबर, ड्राइंग शीट के मानक के अनुसार शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो जानबे करते हैं, 1:√2 होता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 79 नंबर क्या है कि ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए ऊपरी सिरे पर क्या लगाया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए जो है ऊपरी सिरे पर क्या लगाया जाता है, तो ताकि ड्राइंग ना खिसक सके तो सेलो टेप चिपका दिया जाता है। उस शीट को क्या करते हैं, सेलो टेप से चिपका देते हैं, ताकि वह इधर उधर ना खिसके, चाहे ड्राइंग पिन को भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना, जब सेलो टेप नहीं रहे तो ड्राइंग पिन, अगर ऑप्शन दूसरा रहे ड्राइंग पिन, तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का प्रयोग करते हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है। तो ड्राफ्टिंग जो है टेम्पलेट की इंजीनियरिंग में क्या विशेषता है, तो इसका जो होगा आंसर, तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि जो है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट एक पारदर्शी प्लास्टिक की शीट है, ये तो सही है। अब दूसरा जो है, इस पर आयताकार वर्गाकार वृत्त एवं षटभुज आदि बनी होती है, ये भी जो है सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सी जो है, उचित समय में इन आकृतियों को ड्राइंग में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। ते सभी सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ड्राइंग शीट, सॉरी ड्राफ्टिंग टेम्पलेट ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पे जो है फिगर दिया गया है, इसको इसको ड्राफ्टिंग टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 81 नंबर पर, तो कंपास की किस लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है। तो इसमें जो है समंजनीय लेग में क्या होती है, समंजनीय लेग में जो है पेंसिल की लेड लगाया, यानी पेंसिल को किस में लगाया जाता है, समंजनीय लेग में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींची जा सकती हैं। तो छोटे कंपास द्वारा जो है 25 mm से 50 mm तक होती है, कितना, 50 mm तक। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है 83 कि बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। तो बड़ी कंपास का प्रयोग किसके लिए, तो 150 mm से अधिक जब खींचना हो तो उसको बड़ी कंपास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब 84 नंबर प्रश्न है कि विमांकन, अक्षरांकन तथा वृत्त चाप आदि खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो विमांकन के लिए, अक्षरांकन एवं वृत्त चाप सभी सब खींचने के लिए जो है, इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन जो है एच है, एस बी है, एस सी है, एस टी है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा एच होगा, एच ग्रेड का प्रयोग। ठीक है, एच ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियों क्यों लगाया जाता है, ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियाँ क्यों लगाया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं, पहला ऑप्शन जो है मौसम की नमी के कारण, मौसम की शुष्कता के कारण, तो देखिए शुष्कता के कारण नहीं होता, नमी के कारण, नमी के कारण क्यों, वो सिकुड़ ना चाहे, इसलिए सिकुड़ने से बचने के लिए नीचे पट्टी लगा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। ठीक है, मौसम की नमी के कारण। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है 86 नंबर, एबोनी क्या है, एबोनी क्या है। तो यह जो है, यह ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होता है, एबोनी क्या होता है, ऑप्शन ए, एबोनी क्या है, तो ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है। ठीक है,
इसका आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर, मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार के ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्री हैंड के लिए तो बताइए कि हैं, फ्री हैंड किसे कहते हैं, इसके लिए सामान्यतः जो हम ए फोर साइज़ का प्रयोग करते हैं। किसका? ए फोर साइज़ का, ठीक है, ए फोर साइज़। अगला जो है 88 नंबर प्रश्न जो है, ए फोर का ट्रिम शीट ड्राइंग कौन सा आकार होता है? तो भी बताएं, इसका आंसर जो होगा 210x297 में, ठीक है। अब 89, भारतीय मानक ब्यूरो, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है BIS, के अनुसार ड्राइंग शीट्स के आकारों का उनके नाम से सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसको देखिए, तो ये तो बता ही है, फिर भी चलिए इसको देख लेते हैं दोबारा। तो A0, तो A0 का किसका से होता है 841x1189, ये 1 का उससे आधा हम बताए ही थे, 594x841। A3 का कितना हो जाएगा 297x420। A4 का जो कितना हो जाएगा 210x297, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न, सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया जाता है? सैंड पेपर जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा, पेंसिल की नोक को तेज करने के लिए। सैंड पेपर किसके लिए जो है, पेंसिल की नोक को तेज़ करने के लिए। तो सैंड पेपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये सैंड पेपर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आरेखन शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन किसके लिए छोड़ा जाता है? तो किसके लिए छोड़ा जाता है आरेखन शीट के बाएं सिरे पर? तो बताया ही थे, पहले भी प्रश्न आ चुका था, इसमें ऑप्शन आपकी बार दूसरा है। इसमें जो है पहला, सीटों को उपयुक्त रूप में जिल्द से बांधने के लिए, ये तो सही है, ठीक है, जिल्द से बांधने के लिए प्रयोग करते हैं। और दूसरा ऑप्शन बी है, सीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त अस्पष्टता देने के लिए, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि अगर इधर खाली नहीं रहेगा तो उसको बांधेंगे तो जो है पर्याप्त अस्पष्टता जो है ख़राब हो सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 92 नंबर पर, शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले भाग में कहाँ बनाया जाता है? तो शीर्षक ब्लॉक ये बता ही थे, तो शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने और बाएं कोने, नहीं दोनों नहीं बनाते, सॉरी, इसमें सिर्फ जो है दाएं कोने पर बनाया जाता है। कहाँ पे शीर्षक ब्लॉक होता है? शीर्षक ब्लॉक जिसको टाइटल ब्लॉक बोलते हैं, यहाँ पे बताए ही थे सब, पिछले वीडियो में बताया था, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में बताए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न में चलते हैं, एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए? तो ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए? तो शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए, हमको दिखाई देना चाहिए टाइटल ब्लॉक, यानी कि शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर शीर्षक ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, प्रायः एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों या संकेतों की संख्या होती है? तो कितना होती है, एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन या चिन्हों या संकेतों की संख्या जो होती है, इसका ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा, यानी कि एक, ठीक। अब जो है ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या कितनी होती है? तो ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 4 चिन्ह होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, तो 96 नंबर प्रश्न है कि एक मानचित्र निर्माता ड्राफ्टर इनमें से किस अभियांत्रिक आरेखन के निर्माण में सहायता करता है? तो किस अभियांत्रिक आरेखन के, तो पहला जो संकेंद्रीय वृत्त, तो हम जानते हैं कि ड्राफ्टर जो है संकेंद्रीय वृत्त नहीं खींचता है, तो यह ऑप्शन गलत है। इसका समांतर एवं अभिलंब रेखा है, तो समांतर खींच देता है, अभिलंब भी खींच देता है, तो यह ऑप्शन सही है। और निष्क्रिय वक्र जो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी नंबर, यानी समांतर खींचने के लिए, यानी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए होता है, ठीक है। अब 97 नंबर प्रश्न में चलते हैं, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्ट मैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक है? तो क्या ज्ञान आवश्यक है, तो पहला देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्ट मैन के लिए क्या होना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए बारे जानकारी होना चाहिए, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए, पेंसिल के प्रकार के बारे में,
ये तीनों सही होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ए सभी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आप सोच रहे कि ड्राफ्ट्समैन है क्या, तो ड्राफ्टमैन किसे कहते हैं, जो फिगर को ड्रॉ करता है, जो चित्र बनाता है, जो ड्राइंग बनाता है, उसको ड्राफ्टमैन बोलते हैं। तो ड्राफ्टमैन जो है क्या किया जाता है, करता है, तो उसको ड्राइंग खींचने के लिए ये सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कैसा है, ड्राइंग बोर्ड कैसा है, ड्राइंग बोर्ड का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर कैसे लगाते हैं, पेंसिल का प्रकार होना चाहिए कि उसको रचना करने के लिए किसका, और बॉर्डर खींचने के लिए कौन सा पेंसिल का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब 98 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें जो है, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें एक से एक बैटन है, बैटन को उदर से क्या होता है, ये तो बता ही थे, बैटन का क्या होता है, पट्टियों को सपोर्ट देने के लिए, पट्टियों का करने के लिए सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बैटन लगा कहाँ रहता है, तो यह जो है नीचे की तरफ दो बैटन व यह जो एक बाएं और एक दूसरा दाएं लगा होता है, यह लकड़ियों की पट्टियों को सहारा देने के लिए होता है, यानी कि यह जो पट्टियों का करता है, सपोर्ट देता है, कौन सा, बैटन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 99 नंबर, वह कौन सी पेंसिल है जिसे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है, तो मुक्त हस्त चित्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए मुक्त यानी फ्री हैंड के लिए हम जो है नॉर्मल ग्रेड की यानी कि जो है नरम का प्रयोग करते हैं, यानी कि SB का, ठीक। तो यानी मुलायम पेंसिल जो है SB का प्रयोग करते हैं, जो फ्री हैंड बनाने के लिए, ठीक, फ्री हैंड चित्र बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट दोस्तों 100 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 100 नंबर जो है यह कि इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट्स के लिए A0 की साइज़ क्या है, तो A0 की साइज़ क्या है पहले ही बता चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा 841 × 1189, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब जो है 100 के बाद जो प्रश्न लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। चलिए अब जो है कल मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। और इसको